पंडित ब्रजेंद्र मिश्र, ज्योतिषाचार्य, प्रयागराज। 30 अगस्त को प्रातः 10:58 से पूर्णिमा शुरू हो रही है। सावन की पूर्णिमा यद्यपि श्रवण नक्षत्र में होती है, परंतु इस बार श्रवण नक्षत्र नहीं मिल पा रहा है। 10:58 से 12 घंटे की औसतन यानी 9:05 रात्रि तक भद्रा रहेगी। इस बीच में राखी नहीं बांधी जानी चाहिए। 9:05 के बाद से लेकर के अगले दिन प्रातः 7:05 के बीच में कभी भी राखी बांधी जा सकती है, जो हमें सुलभता से समय मिल जाए। इस बीच में कभी कभी कुछ लोगों को शंकाएँ होती हैं कि अगर हम किसी वजह से 30 को ही राखी बांधे तब कब बांधें, और रात में हमें 9 के बाद की सुविधा नहीं हो रही है, तो 10:58 से 2 घंटे छोड़ कर की यानी भद्रा का मुख छोड़ करके वो राखी बांध सकते हैं। मैं जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य जी, रक्षाबंधन इस बार कब है, कब मनाया जाएगा, किस तरह से मनाया जाएगा, क्या विशेष और खास होगा? भारतवर्ष ऋषियों की परंपरा का देश है। आध्यात्मिक महोत्सवों में श्रावणी रक्षाबंधन का अपना महत्व है। हमारे यहाँ देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण की परंपरा है। श्रावणी के उपक्रम में जिन ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्य शूद्रों का एक सामूहिक यह श्रावणी सत्कर्म पारायण जनों का महोत्सव है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 30 अगस्त को भी है और 31 अगस्त को भी है। 30 अगस्त को रात में 8 तक भद्रा है। 8 से 8:30 के बीच में राखी बंधन किया जा सकता है और 31 को सुबह 7:40 तक पूर्णिमा है, जबकि 7:40 के बीच में रक्षाबंधन किया जा सकता है। श्रावणी उपक्रम की बात है तो श्रावणी उपक्रम में 30 तारीख को शाम को 8 तक भद्रा है, इसलिए भद्रा के बीच में भी वैदिक रीति का पालन करना चाहिए। इसलिए 30 तारीख को 10 के लगभग पूर्णिमा का आगमन हो रहा है, इसलिए हिंदू धर्म में गंगा स्नान का और तीर्थ में वास करने का 30 तारीख को विधान है। इसलिए 30 तारीख को ही श्रावणी सत्कर्म पारायण जनों के लिए श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। अच्छा, क्या रात में भी राखी बनाई जा सकती है? रात में भी राखी बांधी जा सकती है। सूर्यास्त के बाद भद्रा जब न रहे तो राखी बंधन किया जा सकता है। 30 तारीख को है और दूसरे दिन 7:30 तक। क्या रात में, मध्य रात्रि में भी ऐसा समय है कि नहीं? मध्य रात्रि कोई रात में और कुछ नहीं है, मध्य रात्रि नहीं।